शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। घर बहुत खूबसूरत है। बड़ा घर है ना? काकी, ये सामान लेकर अंदर चल जाओ। वाओ, गार्डन कितना अच्छा है। वाओ, कंपनी ने बहुत बड़ा घर दिया है अपने मैनेजर को। ये बॉस का पुश्तैनी घर है। और वैसे भी मैडम, आपके पति कम मेहनती थोड़ी ना। वो तो तुम हो। वैसे मुझे फर्नीचर भी बहुत अच्छा लगा दीपक। इट्स सो एंटीक, इजंट इट? काफी एंटीक है। वाओ! यस! कौन है तू? साहब, इस घर का माली और वॉचमैन हूँ। बगल के सर्वेंट क्वार्टर में रहता हूँ। अकेले रहते हो वहाँ? नहीं, बीबी है, लेकिन वो थोड़ी बीमार है। साहब, कुछ काम होगा तो बता देना। अभी जा, कुछ काम होगा तो बताऊंगा। कोई नहीं बेटा, माली था। इट्स ओके। साहब, मुझे इस घर का वास्तु ठीक नहीं लगता। सब चीजें गलत रखी हुई हैं। काकी, अगर इंजीनियर्स और बिल्डर्स में थोड़ा सा दिमाग होता तो हर कोई उर्मिला काकी ना बन जाता। चलो। यहाँ तो लाइफ सेट है बॉस। कितना प्यारा व्यू है, वेरी पीसफुल। बस शहर से थोड़ा दूर है, लेकिन एक बार घर आ गए तो शांति शांति। क्यों? रियली? पता है, मम्मी हमेशा कहती है कि काम कहीं भी करो, लेकिन घर हमेशा अच्छी जगह लो। You're right. विंडो में से सच में बहुत खूबसूरत थी।
जी सर, थैंक यू सो मच सर। सर घर बहुत ही प्यारा है सर, बीवी और बच्ची को भी घर बहुत अच्छा लगा जी। थैंक्स अ लॉट जी। कुछ हेल्प करो। अरे बेटा, बच्चों से कोई काम करवाता है क्या? काकी काम नहीं, हेल्प। अच्छा चल ठीक है। बेटा ये बॉक्स उठा और स्टोर रूम में छोड़ दिया। हाँ, ये ले। अरे रुक रुक एक मिनट, टॉर्च लेके जा। हाँ ठीक है, अंधेरा होगा, जा। जोकर को बड़े सालों बाद कोई मिला है जिसे वो हंसा सके, अपने कर्तव्य दिखा सके। वेलकम वेलकम वेलकम। कौन हो तुम? पहले हाथ पकड़ती हो फिर पूछती हो कौन हो तुम? मैं तुम्हारा दोस्त हूं, लाफिंग फ्रेंड। मुझसे दोस्ती मत तोड़ना। रोज रात को 1 बजे यहां मेरा शो स्टार्ट होता है, देखने जरूर आना। अगर तुम नहीं आई तो तुम्हारे कमरे में घुस आऊंगा, और अगर किसी से कुछ बोला तो तुम्हारा हाल भी उस कौवे की तरह करूंगा। नहीं, नहीं। काँ, 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 काँ।
हे राम, ये क्या हो गया? ये कौवा कहाँ से मर गया? काकी, क्या हुआ? देखो ना, मैं आंगन में पूजा करने को आई और ये कौवा मर गया। अगर किसी से कुछ बोला तो तुम्हारा हाल भी उस कौवे की तरह करूंगा। कौवे का आंगन में मरना ये अच्छे संकेत नहीं है बेटा। अरे काकी, इतना अंधविश्वास मत किया करो। ऐसे पक्षी और जानवर तो मरते रहते हैं। नहीं बेटा, तुलसी का पेड़ भी सूख गया और दूध भी फट गया और दिया ज्यादा देर तक जल नहीं पाता। ये अंधविश्वास नहीं है बेटा, ये किसी अनहोनी के होने का संकेत है। काकी, आप कुछ भी बोलते रहते हो। देखो बच्ची डर रही है, आप चलो अंदर। चलिए चलिए सानिया, चलो अंदर। उस रात को 1 बजे यहाँ मेरा शो स्टार्ट होता है। अगर तुम नहीं आई तो तुम्हारे कमरे में घुस आऊंगा। बुरा सपना देखा होगा। कमी आ गई तुम। रात
बहुत इंतजार किया तुम्हारा, लेकिन तुम नहीं आए। जोकर को तुमको हंसाना था, अपना कमाल दिखाना था, इतराना था, उठना था, गिरना था। तुम्हारे चेहरे पे बड़ी सी स्माइल लाना था, मगर तुम नहीं आई। ऊपर से मेरे टॉय को भी अपने साथ नहीं रखा। इसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। नहीं नहीं, I'm so sorry, I'm please, I'm so sorry, please. Oh, so cute. चलो कोई बात नहीं, उसकी पनिशमेंट किसी और को दे देते। पराठे कितने अच्छे बनाए ना काकी ने। अरे सानिया बेटा, ध्यान कहाँ है? चलो नाश्ता करो। सानिया, ध्यान कहाँ है? चलो नाश्ता करो बेटा। मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं, चलो थोड़ा सा खा लो, कम ऑन लिटिल बिट। सानिया, सानिया, क्या हुआ सानिया? देखो ना, जब से आई है पता नहीं बहुत चुप सी रहने लगी है, और खाने पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं है। कुछ नहीं होगा, अपने दोस्तों को मिस कर रही होगी, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। सानिया क्या है बेटा, क्यों ऐसे चुप चुप सी रहती है? हाँ क्यों खाना नहीं खाती? कोई बात है तो बताना मुझे प्लीज बेटा। हाँ हाँ दीपक बोलो। क्या तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हो गया? कहाँ हो तुम? तुम ठीक हो दीपक? हाँ अच्छा। अरे साहब ये क्या? दीपक, अरे तुम ठीक हो? काकी ये पकड़ो पायल। मैं चलो संभाल के चलो तुम। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है। हाँ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। पहले तुम बैठो, उसके बाद बात करेंगे। यहाँ बैठो, बैठो संभल के। लो बैठ गया, हो गए सेटिस्फाइड? हाँ हाँ।
अरे यार क्यों इतनी छोटी छोटी बातों पर घबरा जाती है? देखो कितना बिल्कुल हट्टा कट्टा हूं मैं यार। देखो क्या है ना, गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। फिर सुनो मेरी बात, गाड़ी थोड़ी सी दीवार पर जाकर लग गई थी, ये छोटी मोटी चोट लगी है यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। छोटी सी? अरे मेरी तो पूरी जान निकल गई थी। मुझे तो इस घर में कुछ भी सही नहीं लग रहा। कल रात को मैंने खंड दिया जलाया था, पता नहीं कैसे गिर के बुझ गया। अरे काकी, बिल्लियां बहुत है यहाँ पर, हो सकता है कि कोई बिल्ली तुम्हारे पूजा घर में आ गई हो, उसने अखंड दिया गिरा दिया और वो बुझ गया। सिंपल टेंशन मत लो यार, तुम लोग कितना घबराते हो। मेरी बातों पे तो किसी को विश्वास ही नहीं, काम वाली जो ठहरी। ये कैसी बातें कर रही है काकी? भगवान का शुक्र है कि दीपक को कुछ भी नहीं हुआ, और आप हमारे घर की एक सदस्य है, समझ गई ना? अब और कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे। और अभी इमोशनल ड्रामा ना बंद करो, और जाके एक गर्मा गर्म प्यारी सी चाय ले आओ। अभी लग जाओ। अरे ये बैग मेरा। पापा। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, आओ बैठो। आज ये बिल्ली हुई ना तो इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। लाइट कैसे बंद हो गई? दरवाजा किसने बंद किया? खोलो दरवाजा। अरे कौन है? दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। किसने बंद किया दरवाजा? काकी, काकी क्या हुआ? अभी ये मत कह देना कि बिल्ली ने दरवाजा बंद किया होगा। मैं पहले दिन से ही बोल रही हूं कि इस घर में कुछ तो है, कुछ तो है इस घर में। बेटा, तुम इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? सानिया, कहीं तुम्हारा काम तो नहीं है? कहीं तुमने तो काकी को बंद नहीं किया?
सच बताओ सानिया, आई एम टॉकिंग टू यू। सानिया बेटा बात। अहल क्या तुम भी, मतलब हो सकता है ना सानिया से गलती हो गई हो। काकी आप भगवान का नाम लो और सो जाओ, कुछ नहीं है यहां पर। मैं सानिया से बात करता हूं। अब चलिए। पायल तुम खामखा ज्यादा ही सोच रही हो। मैंने उससे बात की है, उसके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है। कुछ तो बात है दीपक जो उसको परेशान कर रही है, कुछ तो है जो वो छुपा रही है हमसे। जो हुआ वो काकी का वहम भी तो हो सकता है। देखो मेरी सानिया से बात हुई है, एक बार तुम भी उससे बात करके देखो, डोंट वरी। ये लो केमिस्ट जाओ और एक कफ सिर्फ लेकर आओ। ठीक है सर। क्या ये सब, क्या जादू टोना किया तुमने मेरी फैमिली और अपनी बीवी पर? बता जल्दी जल्दी वरना भी पुलिस को बुलाता हूँ। सब कोई जादू टोना नहीं किया साहब, ये हमारी पति मानसिक रोगी है। हमारा 6 साल का बेटा था साहब, उसको सांप ने काट लिया, उसी में उसकी मौत हो गई। तब से ये हालत है इसकी। उसका दिल बहलाने के लिए उसे खिलौने लाता हूँ, उस खिलौने में उसको हमारा बेटा नजर आता है साहब, और कहीं भाग ना जाए इसलिए उसको बांध कर रखना पड़ता है। अच्छा इसका ये मुंह क्यों लाला? साहब वो सातारे वाले तांत्रिक ने कहा था साहब, अगर 3 साल काला कपड़ा पहन के माँ की पूजा करोगे और माँ का सिंदूर अगर इसके चेहरे पे लगाओगे तो ये ठीक हो जाएगी। उसी तांत्रिक ने कहा था साहब कि अगर जमीन में 10 दिन खिलौने गाड़ कर उसे खेलने के लिए दोगे जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी साहब। हे भगवान, अंधविश्वास की भी हद होती है। कहां से आए हो तुम लोग? एक काम करो, तुम मत करो, मैं एक काम करता हूं, एक अच्छे से डॉक्टर से बात करता हूं और 1-2 दिन में तुम्हारी बीवी को दिखा देते हैं, उसे ठीक हो जाएगी। ये पागल लोग हो तुम लोग, कचरा भरा तुम्हारे दिमाग में। मुझसे इतना डरती क्यों? कोई बात नहीं, अब ये फांसी का फंदा पंखे पर लटकेगा और तुम इस पर अपनी गर्दन रखकर आराम आराम से झूलोगी। तुम्हारा सारा डर एक बार में खत्म हो जाएगा। नहीं प्लीज ऐसे मत करो, प्लीज ऐसे मत करो, प्लीज मत करो ऐसे। तो ये फांसी का फंदा बन चुका है तो
किसी ना किसी के गले में तो डालना ही पड़ेगा। 2 दिन देता हूं तुम्हें, सोच के बताना, अगर तुम नहीं तो कौन लटकेगा इस फांसी के फंदे में। सानिया, अरे बिस्तर छोड़ के नीचे क्यों सोई है? पढ़ाई नहीं करनी, टाइम देख, एग्जाम है सर पे। पर मेरा ये मेकअप यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ कैसे आया ये? सानिया मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता मतलब किसको पता होगा? ये तुम्हारा जोकर लेके आया यहाँ? तमीज, मुझे चुप कराएगी? मुझे चुप कराएगी? बहुत बिगड़ गई है, पापा ने बिगाड़ के रख दिया है। तुम्हारी हर बात मानते हैं ना, इसके लिए इतनी बिगड़ गई। रूम का हालत देखो, मेस में पड़ा है, पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक करो इसे, पढ़ने बैठो चुपचाप, समझी? अरे बेटा, पूरे 21,000 जाप पड़े हैं मैंने इन धागों पर। अगर आप लोग ये धागा बांध लोगे ना, तो कोई भूत प्रेत आप लोग के पास नहीं आएगा, और जो भी इस घर में आलतू फालतू चीजें हो रही हैं वो सब ठीक हो जाएगा। और बेटा मैं तो कहती हूँ ना, ये घर ही बदल लो। काकी तुम फिर शुरू हो गई, ये अंधविश्वास कब खत्म होगा तुम्हारा? दीपक, काकी ने बड़े आस्था प्यार और मेहनत से बनाया, प्लीज बंधवा लो ना। और काकी, आप हमारा इतना ख्याल रखती है, उसके लिए थैंक यू। अब खुश? बस अब सब ठीक हो जाएगा। रात के 1 बज गए पर टीवी अभी तक ऑन ही नहीं हुआ, मतलब ये धागा काम कर रहा है। दप्पा! जोकर सबको हंसाता है, लेकिन आज तुमने जोकर को हंसा दिया। तुम्हारे घर वाले भी कितने पागल हैं, उन्हें लगता है एक धागे से हो जाएगा, और तुम्हें लगता है कि जोकर तुम्हारी जिंदगी से चला जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। नाम सोचा कि कौन लटकेगा फांसी के फंदे पे, मतलब तुम? नहीं नहीं, मैं मम्मी। मम्मी? हाँ, वो तुम्हें बिना वजह जो डांटती हैं। ठीक है, ठीक है मम्मी। अभी क्लाइंट ने जो हमें डेडलाइन दी है, अगर उसको हमने अचीव कर लिया तो दूसरा ऑर्डर बल्क में हमें आराम से मिल जाएगा। जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इनफैक्ट 3-4 दिन की तो बात है, जी जान से मेहनत कर लेते हैं। अगर हमने ये डेडलाइन अचीव कर ली तो कंपनी के पोर्टफोलियो के लिए बहुत अच्छा होगा सर। किसी बड़े बंदे गए थे क्या दीपक? नहीं सर, टाइम कब मिलता है ये सब करने का? नहीं, वो तुम्हारे हाथ में धागा देखा तो। ये धागा सर, वो क्या है सर, हमारे घर में एक उर्मिला काकी है, उन्होंने बांध दिया। उनका मानना है कि इसे बांधने से घर में बुरी बला नहीं आती है। अच्छा, अगर ऐसा है तो एक धागा लाकर हमारे कंपनी गेट पे भी बांध दो। <क्या? laughs>
कहाँ चली गई है काकी? उर्मिला काकी, काकी, अरे कहाँ गई है काकी? काकी, काकी, उर्मिला काकी, अरे अशोक तुमने उर्मिला काकी को कहीं देखा है? काकी नहीं देखा मैडम। जरा आसपास देखो, कहीं देखी तो मुझे बताना। ठीक है। जाओ। हेलो दीपक, मैंने उर्मिला काकी को सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिल रही मुझे, पता नहीं कहाँ चली गई है। मैंने अशोक को भी पूछा, उसने कहा कि उसने नहीं देखा उसे। पायल तुम भी ना, अरे हो सकता है मार्केट या मंदिर गई हूँ, आ जाएंगी थोड़ी देर में, परेशान मत हो। कब से लापता है आपकी काम वाली? वैसे कल दोपहर 1 बजे मैंने नोटिस किया था, लेकिन एग्जैक्टली कब से गायब है वो नहीं मालूम। आपके घर से कोई चोरी वगैरह हुई है? अरे नहीं नहीं, उर्मिला काकी चोरी करने वालों में से नहीं है, वो तो हमारे परिवार का एक हिस्सा है, वो 10 सालों से है हमारे साथ। क्या उर्मिला जी किसी बात से नाराज थी? आप लोगों में कुछ अनबन हुई थी जिस वजह से वो घर छोड़कर चली गई हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है हमारे बीच। इनफैक्ट उर्मिला काकी तो कहीं जाती ही नहीं, उन्हें शहर के बारे में कुछ भी नहीं पता, उनका सामान, उनका फोन, सब कुछ उनके कमरे में पड़ा हुआ है। जी आपके हस्बैंड कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है वो? जी वो ऑफिस में, उनका कुछ काम चल रहा है, वो रात को 9 बजे ही आएंगे। तो और कोई रहता है आपके सिवा इस घर पे? बस मैं और मेरी बेटी है, और सर्वेंट क्वार्टर्स में अशोक और उसकी वाइफ रहते हैं। अशोक? ये अशोक कौन है? हमारा माली। देखिए पायल जी, जब तक हम उर्मिला जी को बाहर ढूंढे, उसके पहले हम आपका घर चेक करना चाहते और आपके माली से भी पूछताछ करना चाहते, ताकि हमारी तसल्ली हो। ठीक है? ठीक है। रोहन। जी सर। आप पायल? दीपक पुलिस आई थी, तुम प्लीज घर जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। सानिया, मम्मी, सानिया, सानिया, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? उर्मिला काकी। उर्मिला काकी? कहाँ है उर्मिला काकी? अच्छा ठीक। उर्मिला काकी? उर्मिला काकी कहाँ है? उर्मिला काकी? सानिया, सानिया, पायल आई लव यू। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। पायल आई लव यू, प्लीज हाँ कर दो ना। Stop it नकुल, तुम्हें पता है ना मैं दीपक से शादी करने वाली हूँ। मैं दीपक से बहुत ज्यादा प्यार करूंगा तुम्हें, बहुत मेहनत करूंगा, रानी बनाकर रखूंगा। प्लीज हाँ कर दो ना पायल, आई लव यू सो मच। प्लीज प्लीज पायल, मैं तुम्हें शादी के बाद बहुत खुश रखूंगा, प्लीज मान दो। पागल हो गए हो तुम? मैं सिर्फ दीपक से प्यार करती हूँ, तुमसे नहीं। और हाँ, दुनिया में हर चीज खरीदी नहीं जा सकती, याद रखना। मौत क्या दर्द देगी मुझे, जितना दर्द तुमने मुझे दिया। जीते जी तो नहीं, लेकिन मरने के बाद मैं तुम्हें जरूर हासिल करके रहूंगा, तुम्हें अपना बना के रहूंगा मैं। I love you, पायल। जा रहा हूँ इस दुनिया से बहुत दूर, एक दिन तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए, हम जल्द मिलेंगे। I love you।
नकुल। जानना चाहोगी कि नकुल के साथ क्या हुआ? बचा कि मर गया? ध्यान से सुनो और ध्यान से स्क्रीन पर देखो, सब समझ आ जाएगा। नकुल अब दूसरी दुनिया में है, तुम्हें भी उसके पास जाना होगा, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ, उसके पास जाओ, तुम्हें मरना होगा, उसके पास जाना होगा, जाओ उसके पास। नकुल का इंतजार खत्म हुआ। जाओ पायल, जाओ उसके पास जाओ। वो देखो पायल, फांसी का फंदा, वो तुम्हें बुला रहा है। उस फंदे को अपने गले में डालो, यही रास्ता है पायल, नकुल के पास जाने का। लटक जाओ उस फंदे से, जाओ पायल, जाओ, तुम्हें मरना होगा पायल, तुम्हें मरना होगा, उसके पास जाना होगा। अरे वो बॉस फ्री हुए क्या? अरे कहा, दो घंटे से बाहर वेट कर रहा हूँ। बॉस के केबिन के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाया है। मेरा फंदा खोलो। रंधीवान, बहुत हो गया तेरा नाटक, अब जोकर रोएगा, है ना? मैं तो बस यूं ही। ए, बताओ उर्मिला कहाँ है? कौन उर्मिला? ये ना, तेरी जोकर जैसी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है मुझे, सारे सबूत लेकर आया हूं मैं। और तुझे क्या लगा, उस बच्ची को डरा कर, बहला फुसला कर, उसके हाथों तो किसी की भी जान ना लेगा? ये तेरी सारी स्मार्टनेस है ना, अब पीछे रह गई है। जब उर्मिला गायब हुई तब हम दीपक के घर पर पूछताछ करने के लिए गए थे। वहां पर हमने एक बात गौर की, लेकिन उस वक्त हमने कुछ जाहिर नहीं होने दिया। सर, आपका शक बिल्कुल सही निकला, किसी ने बड़ी चलाकी से पूरे घर में सीसीटीवी कैमरास फिट किए हुए हैं। दीपक को आए हुए लगभग एक ही हफ्ता हुआ है, इतने जल्दी कोई ये सब कुछ नहीं करवा सकता। रोहन, इस घर के ओनर का पता करो। जी सर। और जब हम अशोक ओमाली उसकी पूछताछ कर रहे थे तब? हाँ साहब, हमने अपनी आंखों से सब देखा है, लेकिन हम साहब को बताते तो वो हम पर यकीन नहीं करते, इसलिए आपको बता रहे हैं। उर्मिला के गायब होने में
शायद आपको कोई मदद मिले। तुम्हारे पापा को बचा लो, देखो बचा लिया। अब तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा, करोगी ना? दीपक के घर पे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उसका आईपी एड्रेस तुम्हारे ऑफिस के पीसी से कनेक्टेड है और तुम ही उसे एक्सेस करते हो। और उसी दरमियान तुम्हारे फैमिली की एक हिस्ट्री हमारे सामने आई। कैसी हिस्ट्री? तुम्हारा छोटा भाई नकुल, उसकी सुसाइड केस। दीपक का घर तुम्हारा, दीपक की वाइफ पायल, उसका आशिक नकुल, छोटा भाई तुम। दीपक के घर पे जो सीसीटीवी कैमरेज लगे हैं, उसका एक्सेस पॉइंट जिस पीसी से, वो पीसी वो ऑफिस तुम्हारा। ये जोकर का लिबास तुम्हारा। अब जोकर बताएगा और मार खाएगा। हाँ, मेरी चाल थी सारी की सारी, एक दिन की नहीं पूरे 10 साल की मेहनत थी। नकुल मुझे सपनों में आकर कहता था कि भाई मुझे पायल से मिलवा दो, मैं अकेला हूं। पूरे 10 साल लगे मुझे इसको प्लान करने के लिए। दीपक जिस कंपनी में काम करता था उसको टेक ओवर करा, उसको अपना एम्प्लॉय बनाया, उसका अपनी होम टाउन वाली ब्रांच में ट्रांसफर करवाया, उसका उसी जगह रहने का इंतजाम करा जहां नकुल की मौत हुई थी। मैं किसी को मारना नहीं चाहता था, बस मिलाना था पायल को अपने छोटे भाई से। एक बार दोनों की आत्मा मिल जाती तो मोक्ष मिल जाता मेरे छोटे भाई को, इसलिए मैंने हिप्नोटिज्म सीखा। और ये जोकर के पीछे का राज क्या? मुझे बच्ची के हाथों पायल को मरवाना था, क्योंकि बच्चों को डराना और उनसे काम करवाना बहुत आसान होता है। चल बता, उर्मिला कहाँ है? उर्मिला बहुत छानबीन करती थी, मेरे काम में रोड़ा अटकाती थी, उस पर निगरानी रख रही थी, इसलिए उसे बेसमेंट के कमरे में बंद कर दिया। एक दो दिन बेहोश रहेगी। क्या तावड़े, फटाफट एक मेडिकल टीम लेकर उस उर्मिला को छुड़ा कर लेकर आ। सर मुझे आपको एक बात और बतानी है। क्या? मेरे पास 160 करोड़ रुपए हैं, अब पायल को मरवा दीजिए, वो मेरे नकुल के पास पहुंचेगी ना तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, उसके बाद आप भले मुझे फांसी पर लटका दीजिए, प्लीज। करण दीवान, तू सचमुच पागल है। उन 160 करोड़ रुपए का एक मेंटल हॉस्पिटल बनाना चाहिए और जैसे ही तेरी सजा खत्म हो जाएगी ना, तेरे दिमाग का इलाज वहां करवाना चाहिए। फिलहाल तो तेरे दिमाग का इलाज मैं ही करवाता हूं। सॉरी मेरे भाई नकुल, मैं तुझे पायल से नहीं मिलवा पाया, मुझे माफ करना। चल, चल। अशोक, एक अच्छे से हॉस्पिटल में इंतजाम करवा दिया है, कुछ दिनों तक तुम्हारी बीवी को वहीं रहना होगा, देखना बहुत जल्द उनकी हालत में सुधार होगा। आभार साहब। उर्मिला काकी। अरे हाँ, आई आई, चलो बैठते। बैठो।